जोमैटो के बाद अब मैगी धार्मिक वजहों से विवादों के केंद्र में आ गई है। असल में एक व्यक्ति ने ट्वीट करके मैकडॉनल्ड्स इंडिया से पूछा कि क्या भारत में मैगी का मीट हलाल सर्टिफाइड होता है। मैगी ने जवाब दिया, हम सरकार की मंजूरी प्राप्त सप्लायर से उच्च क्वालिटी का मीट मंगाते हैं। हमारे सभी रेस्टोरेंट के पास हलाल सर्टिफिकेट है। आप संतुष्टि के लिए मंजूरी प्राप्त सर्टिफिकेट आप रेस्टोरेंट के मैनेजर से मांग सकते हैं। मैगी का ये ट्वीट काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया और सोशल मीडिया यूजर्स मैगी के विरोध में पोस्ट लिखने लगे। असल में लोग के एक तबके ने सोशल मीडिया पर सवाल किया कि देश में हिंदू और सिख की बड़ी आबादी रहती है, सभी को हलाल मीट खाने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है। एक्ट्रेस कोयना मित्रा ने भी हलाल मीट की वजह से ट्वीट कर मैगी नहीं खाने का ऐलान किया। कई लोगों ने ट्वीट में लिखा, क्यों एक हिंदू को हलाल मीट खाने पर मजबूर किया जा रहा है, मैगी को हलाल और झटका दोनों ही मीट रखना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि हलाल की प्रक्रिया में जानवरों के साथ अधिक क्रूरता होती है, सभी को ये मीट खाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें विकल्प मिलना चाहिए। हालांकि एक यूजर ने भी लिखा कि मैगी ही नहीं अन्य रेस्टोरेंट भी हलाल मीट ही सर्व करते हैं, विरोध सिर्फ मैगी का नहीं करना चाहिए। राहुल शर्मा नाम की यूजर ने लिखा, इतने सालों से लोग KFC और मैगी का खाना खा रहे हैं, लेकिन अचानक उनकी धार्मिक भावना आहत हो गई। मीट तो मीट है, झटका हो या हलाल, अगर आपको जानवरों के साथ क्रूरता की पड़ी है तो आप मीट खाना छोड़ दीजिए, शाकाहारी बनिए। वहीं विवाद के बाद मैगी की ओर से कोई बयान नहीं आया।